अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं राना सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GSM Zone। फ्रेंड, हमारे पास जो मॉडल है वो मोटोरोला का E4 है। फ्रेंड, अगर आप वीडियो देख देख कर थक चुके हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए और मोटो E4 का FRP अनलॉक कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, आपने सबसे पहले जो टॉक बैक है वो ऑन कर लेनी है। जैसे ही आपकी टॉक बैक ऑन हो जाती है तो आपने फिंगर की मदद से L प्रेस करना है और टेक्स्ट टू स्पीच पे आपने दो दफ़ा क्लिक करनी है और साइड से दो फिंगर की मदद से आपने जो होम सेटिंग है वो निकाल लेनी है। ये होम सेटिंग ओपन कर लेनी है और एक्सेसिबिलिटी में आके आपने जो टॉक बैक है उसको ऑफ़ कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, टॉक बैक को एक दफ़ा ऑफ़ कर लेते हैं। ओके, और अगेन आपने होम सेटिंग में आना है। होम सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड, आपने ऐप में आना है। ऑल ऐप जो है उसमें आना है, आपने गूगल ऐप और नोटिफिकेशन पे आके क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने फीड पे क्लिक करना है। नो थैंक्स कीजिए, यहाँ पे आप टाइप कीजिए क्रोम CH। तो लीजिए, हमारा क्रोम ओपन हो चुका है। एक्सेप्ट कीजिए नो थैंक्स और यहाँ पे आपने टाइप करना है MAXRMS। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपने सर्च करना है। सर्च करने में सबसे पहले वाले ऑप्शन को आपने क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगेन फ्रेंड, आपने सबसे पहले जो गूगल अकाउंट बाईपास है इस पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन है FRP VNROOM इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। अलाउ कीजिएगा, ओके, और उसके बाद आपने क्विक शॉर्टकट मेकर को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड, हम क्विक शॉर्टकट मेकर को भी डाउनलोड कर लेते हैं। लीजिए, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए, इसके बाद हम ओपन सेटिंग में आते हैं। ओपन सेटिंग में आपने दोबारा से जो होम सेटिंग है उसमें आ जाना है, फ़ोन सेटिंग की, और उसके बाद आपने आना है फ्रेंड सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आपने क्या करना है, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है इसको आपने डीएक्टिवेट कर देना है। डीएक्टिवेट कर दीजिएगा, दोनों ऑप्शनों को आपने डीएक्टिवेट करना है। अगेन आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आपने फ्रेंड आ जाना है एप्लीकेशन में। तो चलिए ऐप्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप ऑल ऐप्स ही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास ऑप्शन शो हो तो प्ले स्टोर को फ्रेंड यहाँ से आपने डिसेबल कर देना है और गूगल ऐप्स को आपने डिसेबल कर देना है। दोनों को डिसेबल करने के बाद आपने आ जाना है फ्रेंड इंटरनल स्टोरेज में। डाउनलोड में जो ऐप आप लोगों ने डाउनलोड की थी FRP VNROOM, उनको आपने दोनों को ही इंस्टॉल कर लेना है। अननोन सोर्स को आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने VNROOM पे अगेन क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। बाईपास FRP VNROOM.NET को आपने इंस्टॉल करने के बाद क्विक शॉर्टकट मेकर को आपने इंस्टॉल करना है। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। क्विक शॉर्टकट मेकर जो है उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल प्ले सर्विस या प्ले स्टोर की सर्विस, गूगल प्ले लीजिए, गूगल प्ले स्टोर हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे आपने
इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपसे ये अकाउंट मांगेगा, तो आपने अपना कोई भी अकाउंट जो जीमेल आपको याद हो, जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें आपको याद हों, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप अपना गूगल अकाउंट है वो टाइप करेंगे, उसके बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, तो आपने पासवर्ड को एंटर करना है। मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने लगा हूँ, आपने अपना जीमेल अकाउंट लगाना है। तो फ्रेंड, आपने यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने के बाद नेक्स्ट करना है। जैसे ही आपसे नेक्स्ट मांगे, तो लीजिए फ्रेंड, आपने अगेन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यस आई एम इन, तो लीजिए एग्री कर देना है, हम इस मोबाइल फ़ोन में इन हो चुके हैं। इन होने के बाद आपने क्या करना है, अगेन आपने आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में फ्रेंड आपने जो सिक्योरिटी सेटिंग है उसमें आपने पहले आप डिसेबल ऐप हैं जो उनको इनेबल करना है। सॉरी, मैंने फोर स्टॉप किया लेकिन ये गलती से हुआ, आपने इनेबल करना है। मैं अगेन उसको इनेबल कर देता हूँ, ये गलती से हुआ था। तो फ्रेंड आपने इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपने जस्ट बैक आना है और अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। आपका काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आप देखेंगे कि रीस्टार्ट करेंगे अपने पीसी तो नहीं है, मोबाइल फ़ोन ही है, मोबाइल फ़ोन को, तो जैसे ही ये ऑन होगा इसमें लगे जीमेल अकाउंट आपके अनलॉक हो चुके होंगे। तो फ्रेंड आप भी इसी तरह अपने मोटो E4 का जो जीमेल अकाउंट है वो अनलॉक कर सकते हैं। आपने जस्ट नेक्स्ट करना है। लीजिए, हमारा जो अकाउंट हमने ऐड किया था वो आपके सामने आ चुका है। आपने स्कैप करना है, अगर आपने फिंगरप्रिंट को नहीं लगाना, अगर लगाना तो आप लगा भी सकते हैं। मोर में आने के बाद आपने एक्सेप्ट कर लेना है। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो कामयाबी से अनलॉक हो चुका है। आप भी अपने मोटो E4 का जो जीमेल अकाउंट है वो इसी तरह अनलॉक कर सकते हैं। लीजिए फ्रेंड, हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो मॉडल था वो मॉडल कौन सा था। हमारे पास मोटो E4 एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो।